आज तक मैं बहुत खुश था क्योंकि आज तक मेरी बहन हमेशा मेरे साथ थी। अभी लगता है जैसे सब कुछ है वही पर कुछ कमी सी है। दिल ने एक बात कही पर लगती वो अधूरी सी है। आज मिली है खुशी पर वो एहसास अधूरा सा है। सब कुछ है वही पर जब मेरी प्यारी बहन नहीं तो लगती जिंदगी अधूरी सी है। याद आते हैं वो लम्हे, वो बचपन की मासूम शरारतें, वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, जब तक मैं ना मनाऊं हंस के ना दिखाना। बहुत याद आते हैं वो पल। भैया क्या कर रहा है? मुझे गुस्सा मत कर। अरे भैया क्या कर रहा है? अरे क्या हो रहा है? अरे क्या कर रही है? अरे यार गुस्सा मत कर। अरे यार क्या है यार? और क्या क्या कर रहा है? मुझे खिला रही है। नहीं 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 मैं करूंगा। अरे करो ना। अरे क्या बनाएंगे? मैं से अच्छा आप इनके बनाए मेरे से ज्यादा। अरे क्या किया आज? ओ शॉपिंग, वाव सही है सही है। अच्छा मेरे पास तो बजे कम से कम। पर कुछ नहीं यार, जस्ट मूवी देख रहा था। और बता। कुछ नहीं यार। हाँ वही अ वॉक टू रिमेम्बर, वही मूवी जिसमें तेरे याद आती है। ओह शिट, सुन मैं तुम 2 मिनट ऑफिस कॉल करता हूँ, बता दो ना तुझे। चल बाय। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। ऐ मेरी। हाय सिमरन। हे अदिति, हाउ आर यू? आई एम फाइन। क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं। लॉन्ग टाइम, आई एम सीइंग यू आफ्टर सो मेनी डेज। या आई नो। How's your job going? Job is like too hectic. And मैंने बोला कि तुम्हें लेके आए, we'll go for dinner or something, but time नहीं मिल रहा। And one more thing, congrats for like your top. Thank you so much. बताया मुझे। हाँ। So finally you got time कि चलो मैंने top कर लिया, अब चलते हैं। Yeah, I have time and. But अचानक से कैसे? भैया की बर्थडे आ रही है। Yeah, I know birthday आ रही है, but you know even I was thinking कुछ plan करें, so I thought of talking to you. इसीलिए तो मैंने तुमको बुलाया है। Thinking for a surprise planning. Yeah, it has to be a surprise. But क्या सोचा like anything? मैं सोच रही थी कि इस बार हम उनके सब फ्रेंड्स को बुलाएं और या तो डिनर पार्टी या हाउस पार्टी करें। सुनो एक चीज़ मेरे दिमाग में है कि उसको एक ही हाँ फ्रेंड्स एंड लाइक ठीक हाउस पार्टी एंड ऑल ठीक है, बट लेट्स गो फॉर लाइक पिकनिक और सम एडवेंचर स्पोर्ट्स फॉर द होल डे। उसको रात को तो पता ही है कि सरप्राइज मिलने वाला है, विल टेक यू मॉर्निंग में। हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है। पिकनिक इज टू बी गुड। इसके लिए हमें बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए विल गो एंड सी द वेन्यू एंड फिर विल जस्ट सी लिस्ट। यस गॉड आई एम सो टायर्ड यार, कल जॉब है, कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आज पार्टी में बड़ा मजा है। आई थिंक द पार्टी वाज लाइक फैब एंड ही इज हैप्पी द बेस्ट पार्ट। आई नो बहुत हैप्पी है एंड उसके फ्रेंड्स भी बहुत खुश है। फाइनली ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने सालों बाद मिल रहे हैं। चलो इसके लिए तो ही हैप्पी एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू मैम। अरे नहीं सिमरन, तूने आपने भी बहुत। अरे मेरे दिमाग में था बट आई वोंट प्लान दैट ग्रैंड वे क्योंकि अकेले नहीं हो रहा यू नो एंड जॉब एंड ऑल। सो वेल
अरे वो देखो भैया आ रहे हैं। हाय हाय सिमरन, ओ थैंक यू फॉर सच पार्टी यार, मुझे पता भी था तुम लोग मुझे इतनी अच्छी पार्टी देने वाले हो। थैंक यू सिमरन, थैंक यू, मुझे नहीं पता था यार तू इतनी अच्छी पार्टी देगा। अरे सी एस सी यार, थैंक यू वेरी मच। मैंने ऑर्गेनाइज किया बट शी इनिशिएटेड। सी एस सी सिमरन, मैंने कभी नहीं सोचा था तू मुझे इतनी अच्छी पार्टी देने वाली है। ऑब्वियसली यार, तेरे सब कुछ यार, तू जॉब में इतनी बिजी थी, तेरे जॉब का सबसे पीक टाइम चल रहा था तब तूने मेरे लिए इतना टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच यार सिमरन, थैंक यू वेरी मच यार। इतने टाइम में दिस वाज जस्ट अ स्मॉल थिंग व्हिच आई कुड प्लान फॉर, एंड जॉब बाद में आते, इट्स यू ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच सिमरन, थैंक यू। भैया। हाँ बोल। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोल ना, क्या हुआ? मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। किससे मिलवाना चाहती हूँ? किससे मिलवाना तुझे? एक लड़का है समीर नाम का, और मैं उससे प्यार करती हूँ। क्या बकवास कर रही है तू? किससे प्यार करती है और कब से चल रहा है ये सब? 6 महीने से भैया। तुम मेरी बहन होके ऐसे काम कर रही है? क्या मम्मी पापा ने हमें यही संस्कार दिए? मैं चाहती हूँ भैया कि आप एक बार उससे मिल लो। नहीं मिलना है मुझे उससे। और तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? और हाँ, आइंदा भैया मत बोलना मुझे। क्यों भैया, आपकी भी तो गर्लफ्रेंड है ना। जब आपको उसके लिए कुछ खरीदना होता है तब मैं हमेशा आपके साथ चलती हूँ। जब आपको उसके लिए कुछ करना होता है तब मैं हमेशा आपकी मदद करती हूँ। जब आप उसको मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तब मुझे बुरा लगता है। हालांकि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी मुझे उतनी ही अहमियत दें जितनी कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को देते हैं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है तो मेरा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं हो सकता? आपकी गर्लफ्रेंड भी किसी की बहन है,